नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सप्लोरेबल रूट्स। आज हम आए हैं देवघर। देवघर बैद्यनाथ धाम नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही फेमस और स्पिरिचुअल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। देवघर आने के लिए आप प्लेन, ट्रेन या बाई रोड आ सकते हैं। देवघर का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है पटना, जो कि 230 किलोमीटर की दूरी पर है। देवघर के नज़दीक दो स्टेशन है, उनमें से एक है जसीडीह जंक्शन और एक है बैद्यनाथ धाम, पर मैक्सिमम ट्रेन जसीडीह जंक्शन पर ही आता है। बैद्यनाथ मंदिर से जसीडीह जंक्शन 17 मिनट की दूरी पर है और बैद्यनाथ धाम स्टेशन 5 मिनट की दूरी पर है। चलिए देवघर में डे वन का टूर शुरुआत करते हैं। डे वन में सबसे पहले हमने कार बुक कर लिया है। देवघर में अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं तो कार बुकिंग का प्राइस थोड़ा कम होगा, वरना इधर कार बुकिंग का प्राइस बहुत ही हाई रहता है। सबसे पहले हम जा रहे हैं उश्री फॉल्स। उश्री फॉल्स बैद्यनाथ मंदिर से 81 किलोमीटर की दूरी पर है। उश्री फॉल्स आने में हमें 2.5 घंटा लग गया है, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा था। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, इसलिए उश्री फॉल्स में ज्यादा पानी नहीं है और उश्री फॉल्स का जो असली ब्यूटी है वो हम मिस कर गए। पर अगर आप उश्री फॉल्स का असली ब्यूटी देखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बरसात के बाद है, क्योंकि उस टाइम पे उश्री फॉल्स में पानी काफी ज्यादा रहता है और उश्री फॉल्स का असली ब्यूटी आप एंजॉय कर सकेंगे। उश्री फॉल्स देखने के बाद अभी हम खंडोली पार्क जा रहे हैं। खंडोली पार्क उश्री फॉल्स से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। उश्री फॉल्स से खंडोली पार्क आने में हमें 50 मिनट लगा। बैद्यनाथ मंदिर से खंडोली पार्क आने में 1 घंटा 30 मिनट लगता है। खंडोली पार्क में एंट्री फीस है जो कि ₹12 पर पर्सन है। खंडोली पार्क एक बहुत ही सुंदर जगह है और पिकनिक मनाने के लिए आइडियल है। खंडोली पार्क में बोटिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। खंडोली पार्क देखने के बाद अभी हम जा रहे हैं पतरोल काली मंदिर। पतरोल काली मंदिर पहुंचने में हमें 1 घंटा 30 मिनट लग गया था। हम जब पतरोल काली मंदिर पहुंचे तो अभी रात हो गया था, पर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप पतरोल काली मंदिर आना चाहते हैं तो आप शाम से पहले आ जाएं, क्योंकि रात के समय पतरोल से देवघर जाने का जो रास्ता है वो मुझे उतना सेफ नहीं लगा। इसी के साथ देवघर में डे वन का टूर यहाँ ही खत्म होता है। डे टू का वीडियो बहुत ही जल्द आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए। और हाँ, अगर कोई क्वेरीज है या कोई सजेशंस है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए।